बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी है। मैं सदर हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर का और इसके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशियाना, जो कि इस वक्त बिलखसूस कोरोना वायरस का जब एपिडेमिक फैली हुई है तो उसके अंदर हम डेली बेसिस के अपने साथ एक चीज़ें शेयर करते हैं। अवेयरनेस कम्पेन का एक हिस्सा जो है, उस अवेयरनेस कम्पेन के अंदर ये ज़रूरी है कि हम लोगों को ये बताएं कि उनका घर में रहना बेहतर है, उनके ही फायदे की ये बात है। हम लोग कोरोना से लड़ने की बात करते हैं लेकिन कोरोना से बचना ज़रूरी है। और कोरोना से बचना कब ज़रूरी है? कोरोना से उसी वक्त बचेंगे जब हम बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से इस जरासीम को घर के अंदर नहीं लेके आ जाएंगे। आज के डिक्लेरेशन के अंदर हमने एक डिक्लेयर किया है कि हमें इलाज से पहले एक तो सर्टनली प्रिवेंशन के हिफाजती तदाबीर जो हम बड़ी बेहतर है वो करनी चाहिए, लेकिन उससे बढ़ के अपनी सेल्फ इम्यूनिटी जो कुव्वत मुदाफियत है उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुव्वत मुदाफियत बड़ा करने के लिए, बेहतर करने की खातर वो हाई क्वालिटी प्रोटीन उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर अल्लाह ताला ने इस्तेता दी है तो दूध पीना चाहिए। दूध के साथ हमें मटन, गोश्त, उसके साथ चिकन, चिकन इज़ वेरी मच चीप एंड सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ वो ले सकते हैं। अंडे का इस्तेमाल जो है वो उसे बढ़ाना चाहिए। सब्जियां जो है उनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। दालों के अंदर भी प्रोटीन है तो दालों का इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए और रोज़ाना बेसिस के ऊपर। एक चीज़ मैं ये कहता चलूँ कि हमें जो एक ज़माना था जबकि हम यखनी का इस्तेमाल होता था, अंडा और यखनी का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने इम्यून सिस्टम को और छाती को, चेस्ट को बेहतर कर सकते हैं।